ऑल राइट, तो ये है वन प्लस नॉर्ड सीई 4 लाइट 5G। और जितना बड़ा इस फोन का नाम है, समस्याएं भी उतनी ही इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलती है भाई। ये जो स्मार्टफोन है पिछले 20-25 दिनों से मेरे पास में है। इस स्मार्टफोन को मैंने बढ़िया तरीके से टेस्ट भी किया है एंड इस स्मार्टफोन को मैंने इस सेगमेंट में आने वाले इन सभी स्मार्टफोन के साथ में कंपेयर करके देखा एंड समस्याएं मुझे काफी सारी लगी इस फोन के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन OnePlus Nord CE 4 Lite 5G के बारे में कि क्या चीजें मुझे इस फोन के बारे में अच्छी लगी, क्या इस फोन के अंदर समस्याएं हैं एंड क्या ये स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड गाइस अगर ऐसे ही रिव्यूज में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो बॉक्स में आपको सारा सामान मिलता है भाई साहब, ये अच्छी बात है। चार्जर, कवर, केबल, सारी चीजें आपको मिलती है। इवन फ्रंट में आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड पर ये फोन आता है, डिसेंट क्वालिटी की आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। ग्लॉसी फिनिश आपको बैक में दिया गया है, तो फिंगरप्रिंट के निशान काफी ज्यादा आते हैं भाई साहब। बैक पैनल जो है फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है, कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन है OnePlus ने नहीं बताया है एंड IP54 की रेटिंग यहां पर आपको मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इन एंड फील फोन का बढ़िया है, हालांकि फ्लैट एजेस यहां पर आपको मिलते हैं तो जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती है, लेकिन फोन जो है बहुत ज्यादा भारी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, तो ओवरऑल ज्यादा बल्की फील नहीं होता है भाई। इन एंड फील फोन का डिसेंट रहता है एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो फोन अच्छा है। डिजाइन की बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है भाई, डिजाइन में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, डिजाइन फोन का अच्छा है, फिट एंड फिनिश काफी बढ़िया है। फ्रंट में जो आपको बेजल्स मिलते हैं वो सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटे बेजल्स नहीं दिए गए हैं। हाँ, चीन जो है वो थोड़ी सी मोटी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्रंट से भी फोन गुड लुकिंग लगता है, बैक से भी फोन गुड लुकिंग लगता है, लेकिन हमारे पास में ये ब्लू कलर है। अब ब्लू अगर आइस होती तो हिप्नोटाइज कर सकती थी, लेकिन ये ब्लू ना। इसके बाद में डिस्प्ले की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में सुपर एमोलेड पैनल यहां पर दिया गया है। एमोलेड पैनल तो इस फोन के अंदर दिया गया है, लेकिन एमोलेड की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि इस फोन में ना तो आपको 4K प्लेबैक का सपोर्ट मिलता है, ना ही इस फोन में आपको HDR का सपोर्ट दिया गया है। अब ये जो फोन है बेस वेरियंट 8+128 आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट पर मिलता है एंड 20,000 प्राइस पॉइंट पर HDR और 4K प्लेबैक दोनों फोन के अंदर होना चाहिए, जबकि इस डिस्प्ले में आपको दोनों चीजें देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कंटेंट वाचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपका बढ़िया रहता है, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन बेटर हो सकते थे। हालांकि इस फोन में आपको वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन जरूर से मिल जाता है, तो Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट देख सकते हैं। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 2100 nits की ब्राइटनेस यहां पर आपको दी गई है, हालांकि HDR का सपोर्ट ही नहीं है, तो 2100 nits की पीक ब्राइटनेस का कोई काम नहीं है। 1200 nits के आसपास की आपको ब्राइटनेस मिलती है हाई ब्राइटनेस मोड में, जो कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में देखने में बिल्कुल दिक्कत पैदा नहीं करती है। डिस्प्ले जो है हार्ड सनलाइट में भी प्रॉपर विजिबल रहता है, तो ब्राइटनेस की दिक्कत नहीं है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जरूर से दिया गया है, लेकिन इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो 120 हर्ट्ज को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है एंड स्मूथनेस आपको उतनी ज्यादा नहीं मिलती है जितनी 120 हर्ट्ज से आप एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़े से जर्क्स या थोड़ी सी लैगिनेस यहां पर आपको जरूर से मिलती है, तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन के अंदर आपको ठीक ठाक मिलती है भाई साहब। डिस्प्ले क्वालिटी पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, इस सेगमेंट के दूसरे फोन्स में इससे कहीं ज्यादा बेटर डिस्प्ले आपको मिलता है। सो यस, ओके इस डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। इसके बाद में परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। जब नॉर्ड सी लाइट सीरीज का पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब से इस सीरीज में आपको 695 ही दिया जा रहा है एंड परफॉर्मेंस डेफिनेटली प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई नहीं करती है। इस चिपसेट में केवल एक चीज मुझे अच्छी लगी कि ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है एंड कोई भी थर्मल का इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, हीटिंग वगैरह यहां पर आपको नहीं मिलती है एंड थर्मल मैनेजमेंट फोन का बढ़िया रहता है। बाकी डे टू डे की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिलती है, लेकिन जैसे ही आपने 7-8 एप्लीकेशन खोल ली भाई साहब, ये जो फोन है दम तोड़ देता है, अटकने लग जाता है और
बड़ी दिक्कत देता है भाई साहब। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ये जो फोन है एवरेज परफॉर्मेंस आपको देता है। हालांकि ऐप ओपनिंग अगर देखा जाए तो ऐप ओपनिंग यहां पर आपको फास्ट मिलती है, रैम मैनेजमेंट फोन का काफी अच्छा है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आती है। जैसा मैंने आपको बोला ऑप्टिमाइजेशन चिपसेट का अच्छा है, लेकिन पावर उतनी यहां पर आपको नहीं मिलती है जितनी आपको इस सेगमेंट में मिलनी चाहिए थी। एंड गेमिंग के लिए तो ये फोन डेफिनेटली नहीं बना हुआ भाई साहब। 40 FPS की गेमिंग आप कर सकते हैं, हल्के फुल्के लैग्स भी आपको देखने को मिलते हैं, हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स भी मिलते हैं। तो कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन की परफॉर्मेंस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भाई। एंटीडू स्कोर भी अगर देखा जाए तो 4,75,000 के आसपास एंटीडू स्कोर आता है। 20,000 के फोन में आजकल 7-8 लाख का एंटीडू स्कोर आता है। परफॉर्मेंस वाइज ये जो फोन है बहुत वीक है भाई साहब, परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बात करेंगे कैमरास के बारे में। OnePlus के जो कैमरास हैं अच्छे आया करते थे भाई साहब, लेकिन इस फोन में जो कैमरा दिया गया है वो बड़ा वियर्ड सा कैमरा है। पहली बात, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है LYT 600 के साथ में। अल्ट्रा वाइड यहां पर आपको नहीं दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का एक छोटू मिलता है। सबसे बड़ी समस्या मैंने इस फोन के अंदर देखी, जब भी मैं इस फोन को बाहर लेकर के निकला थोड़ी से बारिश वाले माहौल में, इसके लेंस पर फॉग जम जाता है भाई साहब और बड़ी दिक्कत देता है, बड़ी दिक्कत आती है भाई। बहुत देर लगती है उस फॉग को हटने में। एंड ओवरऑल इमेज क्वालिटी की भी अगर बात करें तो इमेज क्वालिटी भी उतनी ज्यादा मुझे पसंद नहीं आई भाई साहब। मतलब डिटेल्स वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है, कलर जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, डायनेमिक रेंज इस फोन की बढ़िया मुझे लगी, लेकिन काफी इनकंसिस्टेंट है भाई साहब। मतलब एक जैसी इमेजेस नहीं आती है, 5 इमेजेस आप खींचोगे तो 3 इमेजेस अलग लगती हैं, 2 इमेजेस अलग लगती हैं। तो इनकंसिस्टेंसी का इशू जरूर से यहां पर आपको देखने को मिलता है। व्हाइट बैलेंस ठीक है, लाइट कंट्रोल फोन ठीक तरीके से कर लेता है, स्किन टोन्स जो है वो आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि हल्का फुल्का फिल्टर वहां पर भी आपको मिलता है, सॉफ्ट स्किन टोन्स निकल करके आते हैं एंड थोड़े से आर्टिफिशियल लगते हैं। बाकी एज डिटेक्शन की अगर बात करें, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्रिस्प एज डिटेक्शन आपको मिलता है, बैकग्राउंड ब्लर भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। नाइट इमेजेस की अगर बात करें तो नाइट इमेजेस भी ठीक ठाक निकल करके आती है, ठीक ठाक कलर्स एंड डिटेल्स आपको मिल जाती है। बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक नाइट इमेजेस निकल करके आती है। लेकिन ओवरऑल रेयर कैमरा का जो आउटपुट है पर्सनली मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, प्लस जो दिक्कत मैंने आपको बताई फॉग जमने की वो तो यहां पर आपको मिलती है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो सेल्फी कैमरा के आउटपुट डिसेंट आपको मिलते हैं, 16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड सेल्फी कैमरा में भी स्क्रीन टोन्स की सेम दिक्कत आपको मिलती है, थोड़ी सी वाइड साइड पर आपको स्क्रीन टोन्स मिलते हैं, आर्टिफिशियल लगते हैं, नेचुरल बहुत कम लगते हैं। एंड इनकंसिस्टेंसी का इशू यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल ठीक ठाक यहां पर आपको मिल जाता है, डायनामिक रेंज काफी अच्छी आपको मिलती है, कलर्स वगैरह भी आपको बढ़िया मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहती है। जैसा प्रॉब्लम आपको रेयर कैमरा में मिलता है सेम प्रॉब्लम आपको सेल्फी कैमरा में भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल स्टिल फोटोग्राफी के लिए तो कैमरा मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। एंड वीडियोग्राफी की अगर बात करें तो क्या ही कहने भाई साहब, इस फोन के साथ में आप 1080p 30fps से ज्यादा कर ही नहीं सकते हो। 20,000 का फोन है, 4K रिकॉर्डिंग आपको नहीं देता है एंड वीडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है, स्टेबलाइजेशन आपको ठीक ठाक यहां पर मिल जाता है। दोनों कैमरास की वीडियो जो क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली ओकेश लगी। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप इज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस स्मार्टफोन। 20,000 के प्राइस पॉइंट पर इतना शिटी कैमरा मैंने OnePlus से एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। कैमरा मॉड्यूल के मामले में ये जो स्मार्टफोन है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। एक चीज में आपको ये फोन पसंद आएगा वो है इसका बैटरी मॉड्यूल। 5500 mAh की बैटरी यहां पर डाली गई है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद में भी वेट मैनेजमेंट फोन का बहुत अच्छा है। 80 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्जिंग टाइम बढ़िया है भाई साहब, 59 मिनट्स के आसपास लगते हैं इस फोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज होने में। एंड बैकअप सॉलिड आपको निकाल के देता है भाई साहब, तकरीबन 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये जो फोन है आपको आराम से निकाल के देगा। इस फोन का एक डेडिकेटेड बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट मैंने किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर के जरूर से चेकआउट करना। बैकअप बहुत अच्छा यहां पर आपको मिलता है, चार्जिंग स्पीड भी यहां पर आपको बढ़िया मिल जाती है। तो बैटरी मॉड्यूल के मामले में फोन जो है वो तगड़ा है भाई साहब, वहां पर आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं देता है। बायोमेट्रिक्स की अगर बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि बढ़िया तरीके से काम करता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो भी काफी एक्यूरेटली काम करता है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आती है। सेंसर सारे अवेलेबल है, जायरो डिले भी यहां पर आपको नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से सेंसर वाइज भी बढ़िया स्मार्टफोन है। स्पीकर्स की बात करें, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको दिए गए हैं। ऑडियो क्वालिटी यहां पर आपको बढ़िया मिलती है, लाउड इनफ है, बिल्कुल दिक्कत नहीं देती है। 300% वाला मोड यहां पर दिया गया है जिसको अगर आप ऑन कर लेंगे 300% पर चलाएंगे फटी हुई से आवाज आती है भाई, तो वो मोड तो कोई काम का नहीं है। लेकिन ओवरऑल स्पीकर क्वालिटी फोन की अच्छी है, उसमें आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड
14 यहां पर आपको दिया गया है, साथ ही में आपको मिलता है ऑक्सीजन ओएस। ऑक्सीजन ओएस दिमाग में आता है वैसे ही हम सोचते हैं कि ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ना भाई, इस फोन के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलती हैं। हालांकि उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फीचर रिच हुआ है भाई साहब, उसमें आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। ऐप लॉक आपको मिलता है, डुअल एप्स यहां पर आपको मिल जाता है, सारी चीजें मिलती है, लेकिन यहां पर जो एनिमेशन आपको मिलते हैं बड़े अजीब से एनिमेशन मिलते हैं, मतलब उतने ज्यादा सूदिंग नहीं लगते भाई। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन के साथ में आपका ठीक ठाक रहेगा। अपडेट्स की बात करें तो 2+3 ईयर्स के यहां पर आपको अपडेट्स मिलेंगे, तो अपडेट वाइज बढ़िया स्मार्टफोन है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर की बात करें, थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लोगे तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा। इसके बाद में कॉलिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो इस फोन के अंदर भाई साहब सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं दिया गया है। 20,000 के फोन में OnePlus ऐसा कैसे कर सकता है? सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है, सामने वाले के पास में नॉइस की आवाज काफी सारी जाती है एंड कॉल की जो क्वालिटी है वो डिसेंट रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कॉल्स कर ही नहीं सकते हैं, कॉल की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बेटर हो सकती थी अगर एक छोटा सा खड्डा ऊपर की तरफ और दे दिया जाता। इसके बाद में इस फोन की और कमियां मैं आपको बताता हूं। 695 पुराना चिपसेट यहां पर दिया गया है। अब पुराना चिपसेट अगर है तो सारी चीजें भी आपको पुरानी मिलेगी। यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है भाई साहब, काफी पुराना ब्लूटूथ दिया गया है। वाईफाई 5 का सपोर्ट यहां पर आपको मिलता है एंड साथ ही साथ इस फोन में आपको NFC भी देखने के लिए नहीं मिलता है, प्लस 9 5G बैंड्स का यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है। मेरे हिसाब से कमियां इस फोन के अंदर बहुत सारी है, खासियत काफी कम है। ये जो फोन है 8GB प्लस 128GB 19,999 रुपए में आपको मिलता है। सेल वगैरह में आएगा तो सस्ते में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या ये स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता भाई साहब कि ये जो स्मार्टफोन है इस सेगमेंट में परचेस करने लायक है। ये स्मार्टफोन अगर 15,000 का हो जाता है तो फिर आप इसको जरूर से परचेस कर सकते हैं, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर आज की तारीख में मिल रहा है मैं तो भाई साहब ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कमियां इस फोन के अंदर काफी सारी है। इसकी बजाय भाई साहब आप अगर CMF फोन 1 परचेस करेंगे तो वो भी बेटर रहेगा। इवन Samsung M35 इससे बेटर है एंड इवन G85 भी इससे बेटर है। तो ये 3 स्मार्टफोन्स है एंड इनके ऊपर IQ Z9 तो आपको मिल ही जाता है। तो मुझे नहीं लगता भाई साहब कि Nord CE4 Lite जो है वो परचेस करने लायक स्मार्टफोन है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, कैसा लगा आपको OnePlus का बनाया हुआ ये मास्टर पीस जो कि उसी प्रोसेसर के साथ में आ रहा है जो पहली बार इस सीरीज के फोन में दिया गया था। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से प्रेस करना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।